है कोई जो बताए शब के मुसाफिरों को कितना सफ़र हुआ है, कितना सफ़र रहा है। ये बात बरसों पहले शहरयार ने कही थी। इस बात का लेना देना एक घटना से है जिसके बीचों बीच हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएम ममता को अक्टूबर 2021 में इटली जाना था, घूमने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कार्यक्रम में दुनिया के कई देशों के नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें इटली जाने की अनुमति नहीं मिली। अनुमति न दिए जाने के लिए वजह भी बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि कार्यक्रम जिस स्तर का है उसको देखते हुए एक मुख्यमंत्री की मौजूदगी सही नहीं है। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अगले महीने वेटिकन में एक विश्व शांति सम्मेलन होना है। क्योंकि कार्यक्रम में विश्व लगा हुआ है, लिहाजा दुनिया के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी से निवेदन किया गया था कि वो किसी प्रतिनिधि के साथ न आए। तब ममता बनर्जी ने उद्योग प्रतिनिधि मंडल की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया था। विदेश मंत्रालय से गुजारिश भी की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी को अनुमति नहीं दी गई। अनुमति नहीं मिलने पर प्रतिक्रिया आना लाजमी था। ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, लगभग 2 महीने पहले मेरे पास शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आया था। इसमें पोप और जर्मन चांसलर भी शामिल होने वाले हैं। उनके साथ मुझे आमंत्रित किया गया था। इटली सरकार ने खास तौर पर मुझे शांति सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने मुझे एक पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि एक मुख्यमंत्री का ऐसी जगह जाना सही नहीं है। मैं जहां भी जाने की कोशिश करती हूं, ये लोग मुश्किल खड़ी करते हैं, जबकि खुद पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा, देश के बहुत से लोग अमेरिका या ब्रिटेन नहीं जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री विशेष अनुमति के साथ विदेश गए। क्या उन्होंने इस बारे में सोचा कितने सारे छात्रों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है? मुझे पीएम मोदी के दौरे से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुझे देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? सरकार हर बार मुझे ऐसे ही रोकती है। इसके आगे बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं घूमने नहीं जा रही हूं। अगर मैं विश्व शांति सम्मेलन का हिस्सा बनती तो देश का सम्मान होता। इसमें ईसाई नेता के रूप में पोप और मुस्लिम नेता के रूप में मिस्र के इमाम मौजूद होने वाले हैं। मैं एक हिंदू नेता के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। मैं छुट्टी मनाने नहीं जा रही थी। मुझे ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं मिली? ये सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या के अलावा और कुछ नहीं है। भाजपा की वजह से लोगों की आज़ादी छिन रही है। हमें आज़ादी वापस लेनी है। हम भारत का तालिबानीकरण नहीं होने देंगे। मामले पर TMC खेमे ने भी आपत्ति जताई है। TMC प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य देव ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार ने दीदी को रोम नहीं जाने दिया। इसके पहले उनकी चीन की यात्रा भी रद्द की गई थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया था। इटली की यात्रा को लेकर मोदी जी को ऐसा क्या हो गया? बंगाल के साथ उन्हें दिक्कत क्या है? इन प्रतिक्रियाओं के सामने आते ही भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पार्टी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल पूछा कि गृह मंत्रालय ने ममता को किस कानून के आधार पर कार्यक्रम में भाग लेने से रोका? 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन के लिए कम्युनिटी ऑफ सेंट एगिडियो के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मार्को एम्प्लियागो ने ममता बनर्जी को निमंत्रण भेजा था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।